अच्छा ये भैया ड्राइवर जा रहे हैं इसके अंदर। ये थोड़ी सी ना देखिए, एक साइड ना कच्ची मिट्टी है ये देखिए, और एक साइड था रोड, तो उसका जो ये जो ट्रैक्स है ना, ये इसके अंदर बैठ गया और ये गई पलट। सो वी डोंट हैव एनी चॉइस। वो तो अच्छा है कि हम यहाँ पर सबसे आगे फंसे हैं और सबसे आगे निकल जाएंगे। वैसे इंजन ऑयल देखो काफी निकल चुका है इसका, दिख रहा है टपकता हुआ भी, वो देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज अपना लास्ट डे था ले का, मतलब लास्ट डे क्या, आज ले से हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। सो सारी जो कार थी ना भाई, वो सब लेट निकल रही थी और मेरे को थी बहुत ज़्यादा एमरजेंसी। सो मैं अपने अर्नी भैया और अपनी तमन्ना भाभी के साथ निकल गया हूँ। कैसे लगा? मैं हमेशा दी बोलता हूँ और देखो मैंने व्लॉग में भाभी बोल दी है। सो बहुत सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं व्लॉग वहां से स्टार्ट किया मैंने, आप एक बार ना नजारे देखिए साइड में। मतलब मैंने सुना है कि ना सरचू तक तो है ना आपको है ना कम से कम भी 4-5 कलर के पहाड़ दिख जाएंगे। सो भैया आप कभी आए इस वाले हाईवे से? यार ये वाला हाईवे ना अब बने हैं सर। अच्छा, 2012 में। ओके, तो चीज ही बिल्कुल अलग थी। समझ गया। 2012 में सब कुछ चेंज था, मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं था, अनएक्सप्लोर्ड था ऑलमोस्ट। हां, सब कुछ अनएक्सप्लोर्ड था। तब तक लोग ना ज्यादा जाते भी नहीं थे यहां पे, और बहुत रेयर मतलब अपना चीजें थी यहाँ पे। अब तो मतलब बहुत कमर्शियल हो गया है, ले पूरा सिटी बन गया है। पहले मतलब छोटा सा एक शोर, बहुत छोटा शहर। मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो मैंने भी यही सुना था कि ना बहुत छोटा सा एक विलेज सा था ले। नहीं, अब तो सब कुछ है भैया, सब कुछ 24/7 खुला हुआ है, मार्ट खुले हुए हैं, 5-star होटल्स आ रखा है, ड्रैगन है, काफी है। अभी एक बार सामने चेकआउट करो, इस रोड से जाना है हमने। तो उम्मीद है रोड के ऊपर कोई ब्लैक आइस वगैरह ना हो। बाकी भैया कह रहे हैं कि वो कल इतना ब्लैक आइस देखा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। और ये जो अभी ट्रक्स वाले हैं ना, ये आपस में यही पूछ रहे हैं कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी है ना जो एडवाइजरी होती है ना, वो कभी भी सही नहीं बताएगी। जब तक कोई बंदा उस रूट से नहीं आ रहा है ना, तो वो बेस्ट बताते हैं। और ट्रक वाले ये तो सबसे बेस्ट बताते हैं। ये देखिए, और अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है भैया? 4 डिग्री है और फुल धूप निकली हुई है, आंखें खुली नहीं रही हैं बिल्कुल ना। आइस मतलब स्नो ऐसे चुंधिया रही है आंखों में, देख रहे हैं कैसे चुंधिया रही है बिल्कुल। छवि इधर से उधर चेंज कर रहे हैं, कहीं तो बचेगा। नहीं, मैं दिमाग में चल रहे हैं ना, ऐसे हो जाए तो मैं कैसे बचूंगा। जैसे पता लगेगा गेट खोलूंगा, जो छपा आग से छपा। पिंक पैंथर नहीं करता, ऊपर से गिरता है। नहीं नहीं अभी नहीं भैया। भाई साहब, भैया क्या व्यू है यार, भैया अगर कहीं लगा सकते हो ना प्लीज लगाना। एक तो फोटो तो बनते हैं, फिर पता नहीं मैं कब आऊंगा। बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए छवि को बिल्कुल फ्रेश। हाँ इधर भी, हाँ मेरे को पता था, मुझे पता था। अभी रुको, आप रुको, मैं वॉलीबॉल अच्छी खेली है मैंने। अब
भेज नहीं माती मैंने। भैया बीच में टकराए, चलो भैया हमको डराते हुए टेम्परेचर से, दो डिग्री टेम्परेचर नहीं, जिस हिसाब से उछल उछल के आ रहे हैं, मैं उस सीट से इधर, इस सीट से उधर होते हुए जा रहा हूँ। और ये एक बारी देखो, मैं हम यहाँ से आए हैं, जब आ रहे थे ना तब मैंने ध्यान नहीं दिया, जब निकल गए ना तब मेरे को सांस आई है, और मैंने देखा अगर गलती से वो पिघल कर नीचे आ जाता, मतलब स्लाइड कर जाता, तो कुछ नहीं, हम भी साथ में स्लाइड करते। बस ऐसा मत बोलो, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ कम है, वो पॉइंट है कुछ टॉप वाला, बर्फ में चलेंगे यहाँ पे, चलो ये भी खाएंगे तोड़ के, हाँ कल खाया हमने, ये तोड़ के खाएंगे, कल हमने खाई है, मजे आएंगे, सीरियस लो यार, हमने बर्फ खाई है, ऐसे बर्फ तोड़ तोड़ के अभी खिलाऊंगा, देखो देखो। So my dear wife, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो आप देख रहे हैं, ये दो लोग मेरे को नया एडवेंचर कराने लाए हैं। भाभी टेंशन मत लो, ऊपर से अगर बर्फ गिरेगी तो एक साइड की विंडो थोड़ी सी खुल जाएगी, कोई ना कोई आई जाएगा, सामने आर्मी वाले हैं ही। बाकी हम चिल्लाते इतना तेज है, गिरने से पहले चिल्ला दूंगा भैया, चिल्लाने से और आ जाएगी, कोई है, कोई है, बोलेंगे क्या चुलती चिल्लाने की वे, इधर तो फोटो बनता है, इधर तो बनता है, इधर तो बनता है, यू हैव रीच्ड तंगलांगला, क्या एक मिनट, यू हैव रीच्ड तंगलांगला, तंगलांगला, चल हर मैदान फतेह। सो हम आ गए हैं, यू हैव रीच तंगलांगला, तंगलांगला, एकदम से बंद मत किया करो भैया, डीजल कार को खींचकर, यही तो फायदे उठा रहे हैं। अच्छा आपको पता लगा हाई क्रॉस अब मारुति भी बेचेगी, इनोवा, मेरे ख्याल में फॉर्च्यून का नंबर भी आने वाला है। सो ये है अपना, ये कितने फिट पे है इसका, मैं फिट देखता हूँ यार, ओ भाई साहब यहाँ व्यू है यार, बहुत बढ़िया व्यू है, नेक्स्ट लेवल, और मतलब कश्मीर से भी मैं आया था ना भाई, ऐसा पास नहीं मिला मेरे को, मेरे को जाखड़ भाई ने बताई थी कि जो मनाली वाले रूट पे मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा, तो थैंक यू जाखड़ भाई, मैंने आपकी वजह से ये रूट लिया है, पर अभी ये पता नहीं लग रहा कि हम कितनी हाइट पे हैं, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, ये देखिए, ओ उधर ऊपर की तरफ से बादल बादल दिख रहे हैं, सो एक बार इसकी हाइट पता लग जाए ना, सो आपको हाइट दिखाता हूँ आप सबको, या आई थिंक कुछ है, हाँ टेम्पल टाइप का है भाई, हाइट लिखी ही नहीं है, शायद वहाँ लिखी हुई है, हाइट ढूंढ रहा हूँ, हाइट अच्छा लिखा हुआ है 17,000 हाई ऑलमोस्ट, ये जो है ना ये आपका जो हम जो गए थे ना हम माइटी खटदुंगला पास, उसके बराबर ही है, ये देखिए ये भी 17,482 है, वो 17,000 वो 18,000 मतलब उससे 1,000 फिट ज़्यादा है, बट ये भी कम नहीं होता है भाई, इधर देखिए वो भी कम नहीं होता है, ये देखिए ये है तंगलांगला, ओ भाई साहब ठंड लग रही है, और मैंने आगे से जैकेट बंद नहीं करी है, सो बुरा हाल हो सकता है, मैं जैकेट वैकेट बंद करके थोड़े से पिक्स पिक कराते हैं भैया वगैरह के साथ और फिर निकलते हैं। सो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है एकदम से, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम निकल गए, हमें टाइम पे मनाली पहुँचना है, और एक बार स्नोफॉल हो जाए ना फिर फंस भी सकते हैं, हाँ, और ये सिर्फ है ना खाटदुंगला से सिर्फ 1,000 फीट का कम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, साहब आप देख रहे हो कुछ मेरे काले फेफड़े, कुछ ऑक्सीजन नहीं है, अगली बार 10-15 ऑक्सीजन के वो रख कर लाऊंगा मैं, उस पास से उतरे हैं,
और नीचे उतरते हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए ये बड़े वाली जो क्रेन है ना, ये गई है पलट। तो दो आई थिंक दो ही है, हाँ दो जेसीबी इसको करने हैं सीधी, ये देखिए। तो मतलब देखो मैं जान पूछ के नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब कंटेंट तो कंटेंट है ना। तो इन रोड्स पे मतलब सिर्फ लैंडस्लाइड्स नहीं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से आपका काम रुक जाता है, आपकी ये रुक जाती है, क्योंकि देखो साइड से कहीं से जगह नहीं है जाने की, ठीक है, सिर्फ ये एक ही प्लेस है जहाँ से जा सकती है। अब देखते हैं सीधी कितनी देर में करेगी। थोड़ी उठा दी है, थोड़ी अब उठा देंगे। एवर जा रहे हैं इसके अंदर। ये थोड़ी सी ना देखिए, एक साइड ना कच्ची मिट्टी है ये देखिए, और एक साइड था रोड, तो उसका जो ये जो ट्रैक्स है ना, ये इसके अंदर बैठ गया और ये गई पलट। सो वी डोंट हैव एनी चॉइस। वो तो अच्छा है कि हम यहाँ पर सबसे आगे फंसे हैं और सबसे आगे निकल जाएंगे। स्टार्ट हो गई, क्या बात है। लोग सेल्फियां ले रहे हैं, बढ़िया है। ये देखिए अब इसको टेढ़ा करेंगे और खुद को सीधा कर लेगी। वैसे इंजन ऑयल देखो काफी निकल चुका है इसका, दिख रहा है टपकता हुआ भी, वो देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कमर 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 कमर, बढ़िया 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 बढ़िया, चलो आ गए।